जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी का बजरंग दल पर बड़ा बयान। मदनी ने बजरंग दल पर जो बोला उससे बजरंग दल गुस्से में है। अरशद मदनी बोले, मुल्क बर्बाद ना होता अगर कांग्रेस उठा लेती ये कदम। बजरंग बली को लेकर कर्नाटक चुनाव में खूब हो हल्ला हुआ, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया था कि सरकार बनने पर वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इसे बजरंग बली का अपमान बता दिया था। पीएम मोदी ने भी एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर खूब हमला किया और बोला कि श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से इन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन अब जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है। मदनी ने मुंबई में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद ना होता। तो आप भी सुनिए कि अरशद मदनी ने बजरंग दल को लेकर अब क्या बोला। गांधी फैमिली आगे बढ़ी, दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगल लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगल लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फकर तंगदस्ती का बोलबाला न होता, मुल्क के अंदर इख्तदार उनका होता जो मुल्क में हर तबके को चैन और सुकून के साथ जिंदा रहने का मौका देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज आकर के उन्होंने ये कहा कि हम फिरका परस्त पार्टियों के ऊपर कदगल लगाएंगे, बंद करेंगे और मुल्क के अंदर भाईचारगी को लेकर बढ़ेंगे। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। तो आपने सुना कि अरशद मदनी ने बजरंग दल को लेकर क्या बोला है। देखना होगा कि इस पर अब बजरंग दल वालों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।